क्या हाल है सभी के, बनारसी आकाश के बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो महाराज जी जैसा कि कल आ चुके हैं, आज 11 सितंबर आज उनका कथा स्टार्ट होना है। शाम 4 से 7 कथा चलेगी और महाराज जी इस समय रात में ही आ चुके हैं काशी विश्वनाथ। उन्होंने दर्शन भी किया और अभी धर्म संघ में रुके हैं जो कि दुर्गा कुंड पे स्थित है। वहाँ ही उनका कार्यालय बना हुआ है, कार्यालय यहाँ भी बना हुआ है। ठीक है, ये दो जगह कार्यालय आपका है। फिलहाल अभी आपको हम दिखाएंगे आज का जो 11 तारीख की जो व्यवस्था है और कितने लोग अभी सुबह ही आ गए हैं, ये देख सकते हैं। पीछे एक बार देख लीजिए, ये जो पंडाल लगा है पंडाल पूरा भर गया, जो मैंने कल वीडियो में दिखाया था पूरा का पूरा भर गया ये पंडाल। ठीक है, और अभी इसमें दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक, अभी शाम 4 बजे कथा होगी, लोग लगातार आए जा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ लोग बैठे हैं, लोग को जहाँ जगह मिल रहा है वहीं बैठ जा रहे हैं। और एक चीज़ बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं, व्यवस्था देखिए क्या क्या है। मुझे जो कुछ कुछ चीज़ें दिखी तो पानी वानी की ठीक व्यवस्था यहाँ पे है और बाथरूम की व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई है। ठीक, जो चीज़ यही बस एक चीज़ का थोड़ा डर है कि मौसम तो बढ़िया बना, धूप भी है, छाँव भी है, बदरी भी बहुत अच्छा बदरी था, ऐसा लगा था बारिश हो जाएगा। तो बारिश हो जाएगा तो भी दिक्कत है, बहुत धूप हो जाएगा तो भी दिक्कत है, लोग गर्मी में परेशान रहेंगे। अभी बंदर देखेंगे तो बिना लोग रुला रहेंगे। बस भगवान से यही कामना करते, भगवान सब अच्छे से बीत जाए। जो भी भक्त कहीं कहीं से लोग आए, भाई उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए, सब अच्छे से बीत जाए। और अंदर चल के जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो आपको दिखाते हैं। और महाराज जी का पूरा जो स्टेज वो पूरा लग गया होगा। हाँ, महाराज जी कितने बजे आएंगे ये पूरा बताएंगे। कोशिश करेंगे जो पहले वीडियो में हमारे भाई साहब मिले थे प्रशांत भाई, उनसे मुलाकात करके, क्योंकि उनको पूरी जानकारी देख रहे हैं पूरा वही करें, उनसे मिलकर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे जरूरी बात, ये बनारसी चैनल पूरा बनारस का आपका अपना चैनल है। जो भी आप बनारस में घूमना चाहते हैं, जहाँ का भी आपको चाहिए कि अगर वीडियो मेरे को ये देखना भाई ये जगह दिखाओ, तो मैं वहाँ पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, कोई भी जगह हो। ठीक है, आप उसके लिए कमेंट करिए मुझे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट। पूरी भीड़ लगी हुई है, दोपहर के बज रहे हैं अभी 12 और महाराज जी के जितने भी भाई भक्त हैं सब आ गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं और अभी 4 घंटे का समय है शेष। 4 घंटे में अभी तक अनुमान लगा लीजिए कि पूरा ये ग्राउंड भर जाएगा। इधर से कोई भी ये देखिए, ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ देखिए खाली आप। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम। हमारे साथ प्रशांत भाई देखिए फिर से जुड़ गए हैं। अभी जैसा कि आज बागेश्वर धाम सरकार आने वाले हैं, शाम 4 बजे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और मेरे साथ प्रशांत भी है, प्रशांत जैसे जानेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में प्रशांत ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इससे बहुत लोगों को मदद मिली। इस वीडियो में आज का महाराज जी का जो कार्यक्रम है वो जानेंगे। तो भैया थोड़ा बताइए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आप लोग इस महामहोत्सव में जितने भी भक्तगण आए हैं, पहले मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से कराया जा रहा है और ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रांगण में, और काशी वासियों का सौभाग्य, हम भी काशी से हैं, काशी वासियों का सौभाग्य है कि गुरुदेव भगवान स्वयं कार्यक्रम करा रहे हैं ऐसा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम है, जैसे अभी 1 बजे से हम लोगों का कलश यात्रा निकलेगा, गायत्री मंदिर लहुराबीड़ से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय प्रांगण में आएगा। जो भक्त पहुंचना चाहते हैं गायत्री मंदिर, वो गायत्री मंदिर 1 बजे पहुंच सकते हैं, कलश यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 4 बजे से परम पूज्य गुरुदेव भगवान का कथा का रसपान कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से गुरुदेव भगवान का आगमन हो जाएगा। आज से प्रथम अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा का पहले दिवस में गुरुदेव भगवान का स्वागत 4 बजे से होगा और आप सभी भक्तगण, जितने भी भक्तगण हैं, वो आके रसपान कर सकते हैं। बनारस से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, जौनपुर से आए हैं, बनारस से, चंदौली से, मिर्ज़ापुर से, कई अनेकों जगह से यहाँ पे आए हैं भक्तगण और मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आपसे जाना था कि अन्नपूर्णा अनुसूचित आपने बताया कि वो सब सिर्फ यजमानों के लिए है। अन्नपूर्णा सेवा सभी के लिए निशुल्क है हमारे यहाँ पे जी। तो ये देखिए फिर से क्लियर करेंगे, अन्नपूर्णा सेवा निशुल्क है। कल मैंने क्लियर किया था, कुछ लोगों को बताया कि सिर्फ यजमानों के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भक्त हैं, सबके लिए फ्री है। प्रत्येक दिन सभी भक्तगण, जितने भी भक्तगण, 10,000, 20,000 जितने भी भक्तगण, 50,000 अन्नपूर्णा सेवा लेना चाहते हैं, हमारा अन्नपूर्णा सेवा, वो आपके वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, वो अन्नपूर्णा सेवा लगा है। अन्नपूर्णा सेवा में आप ले सकते हैं, वहाँ अन्नपूर्णा सेवा है। कार्यालय मेरा सामने है, कार्यालय जो बागेश्वर धाम कार्यालय, जो भी भक्तगण अन्य दान करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सब वहाँ कार्यालय पे आके कर सकते हैं। बगल में पार्किंग है हमारी, ये पार्किंग सामने है, पार्किंग में है, अन्नपूर्णा सेवा इधर है और पार्किंग इधर है।
तो जैसा कि अन्नपूर्णा सेवा में कोई भी अगर अन्नदान करना है, जो भी अपने सेवा भाव से करना चाहे वो कर सकता है, उनके सेवा भाव से ही। कोई यहाँ पे किसी चीज की फाउंडेशन हमारे यहाँ नहीं है। आप अन्नपूर्णा अनवरत हमारे यहाँ ये चलाई जा रही है, धाम पे चलाई जा रही है, हमारे हर कथाओं में चलाई जा रही है, और ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वयं है, और ये काशी वासियों का स्वयं का कथा है, ना कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान का कथा है। ये आप काशी वासियों का स्वयं का और व्यवस्था में आप लोग मदद भी करेंगे, और अपेक्षा है कि गुरुदेव भगवान यहाँ से जाएंगे तो एक अच्छा संदेश आप बनारस वाले देंगे। तो गुरु जी बस एक अंतिम सवाल है, जैसे कि यजमान बनने के लिए ऐसे बहुत लोग कुछ में कमेंट किए हमको यजमान बनना है, लेकिन जो नंबर था उस नंबर पर कॉल नहीं उठ पा रहे हैं, उसके लिए क्या है कोई दूसरा नंबर? प्रत्येक दिन कम से कम 8,000 से 10,000 मिस कॉल, 10,000 फोन आ रहे हैं, तो एक आदमी कितना फोन उठाएगा, इसलिए 10 बजे से 6 बजे तक हमारा है। आप जो भी यजमान बनना चाहते हैं वो आके हमारे कार्यालय पे, बागेश्वर धाम से कार्यालय ये पंडाल के सामने बना है, इस पे आ सकते हैं, और हमारा बागेश्वर धाम कार्यालय धर्मसंघ दुर्गा कुंड पे भी कार्यालय है, आप जाके स्वयं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी हमारा नंबर है, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको, 870-786-76-76 ये हमारा नंबर जो है, ये बागेश्वर धाम सरकार के टोल फ्री नंबर है, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 8 से 10 हज़ार लगातार, 4 मोबाइल पे कम से कम 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार पर डे फोन आ रहे हैं, तो उस समय से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो गुरु जी एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए। नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, नंबर फ्लैश कर, व्हाट्सएप का नंबर है। हाँ, लेकिन बात गुरु जी सही करेंगे, दिन भर में जहाँ 8,000-10,000 फोन आ रहा है, कोई कितना फोन उठाएगा? तो 10 से 6 टाइमिंग बना दिया गया, इस समय आप फोन करेंगे तो, नहीं तो फोन नहीं उठा, अगर बनारस से आप हैं तो धर्मसंघ चले जाए, धर्मसंघ कार्यालय बना है, यहाँ संपूर्ण नजर, यहाँ भी कार्यालय है, यहाँ पे तुरंत आपको जो भी सारा क्वेरीज क्लियर कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी जुड़ने के लिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर राम, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। हर चित है, हर चित हर हर चित हर 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 पूरा एरिया देखने, पूरा पार्किंग के लिए बनाया गया है, आप देख भी सकते हैं फोर व्हीलर कुछ खड़ी हैं। और ये बस ये मौसम थोड़ा गड़बड़ सरबर हो रहा है, भगवान बस साथ दे, भगवान जितने लोग आए, जितने भक्त हैं सब अच्छे से बीत जाए, ठीक है। इधर देखिए पानी वानी का व्यवस्था किया गया है, और यही रास्ता जो मैं बता रहा था आपको, यही रास्ता सबसे सही मेरे हिसाब से। यहाँ आने की क्या अच्छी बात क्या है कि इधर से आप आएंगे ना आराम से, गाड़ी वाड़ी इजीली पार्क पार्क हो जाएगी, और ऑटो तो तुरंत आपको सीधे यहीं तक उतारेगा ही। यहाँ उतारा मुश्किल से हमको लगता है कि 50 कदम नहीं है रोड से, सीधे अंदर आ जाइए ग्राउंड में, तो ये सबसे बेस्ट रास्ता आने का चौकाघाट। तो जैसा कि हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, आज भी लगातार इस पर बने हुए हैं हम, तीसरा दिन आज हमारा है, और जैसा कि कल रात महाराज जी आ गए हैं, धर्मसंघ में रुके हुए हैं, उन्होंने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जिसमें मैं नहीं पहुंच पाया, बट मुझे पता लगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो अभी देख सकते हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के हम लोग ग्राउंड में खड़े हैं, ये पीछे मेरी भीड़ पूरी देख सकते हैं, ये पीछे पूरा भीड़ चपा हुआ है, और इधर जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी कम से कम 30-40 हज़ार लोग आ चुके हैं, शाम तक मतलब और अधिक आने की संभावना है। तो बस एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं बोलूँगा बार बार, कल भी बोलता, अभी देखिए भगवान साथ दे रहे हैं, मौसम साथ दे रहा है, बद्री है, लेकिन मेरे हिसाब से व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए थी। जो पंडाल लगा, पंडाल थोड़ा और लंबा होना चाहिए, तो बाकी चीज़ें सब सही हैं, पंडाल थोड़ा और, क्योंकि अभी क्या मान ली बारिश ही हो जाए, अब जो लोग बैठे क्या करेंगे, भींगेंगे, धूप हो जाए, धूप तो हो ही रहा है, उसमें लोग परेशान हो जाएंगे, तो ये चीज़ थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। और बाकी हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं दीपक भाई, जो यहाँ थोड़ा जुड़े हैं, सेवा करते हैं, सेवादार हैं, थोड़ा बताएंगे भैया कि इतना क्या यहाँ व्यवस्था सही है आपके हिसाब से, कैसा चल रहा है यहाँ पे? देखा जाए तो व्यवस्था तो सभी चीज़ का हुआ है प्रबंध, लेकिन आप जितने ही जल्दी आएंगे उतने ही बढ़िया आपके लिए होगा, इसलिए लोग यहाँ पे जुटते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा साथ दे रहा है, नहीं तो 4 बजे से महाराज जी का जो कार्यक्रम है ये चालू हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा और जल्दी आइएगा। तो जैसा कि हम अभी कहें इसमें कि पंडाल एक और एक्स्ट्रा इधर होना चाहिए, तो मेरा कहना सही है, आप सहमत नहीं? ये तो है कि लोग भीड़ तो बढ़ती जाएगी, इसलिए आप देख सकते हैं इसी समय लोगों का भीड़ इकट्ठी होता ही जा रहा है।
तो चलिए फिर, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो हो महाराज जी के साथ हो, इसी कोशिश में लगे हैं भाई साहब। और बाकी बनारसी का चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा अपना बनारसी चैनल। लोहरा ब्रिज चौराहे पर खड़े हैं, इधर ही देख सकते हैं ये मंदिर है, गायत्री माता मंदिर है। यहीं से जो है कि आपका कलश यात्रा उठना है। अभी 1:15 बज रहा है, 1 बजे का समय था। अब ये समय हम नहीं बता पाएंगे कितने बजे कलश यात्रा उठेगा। अभी आपको दिखा सकते हैं, इधर देखिए पूरा बग्घी वग्घी रथ वथ पूरा तैयार है, और ये यात्रा उठ के यहाँ से जाएगा चौका घाट संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ महाराज जी का कथा होना है, ये वहाँ जाएगा। और अंदर देखिए, ये पूरा अंदर लेके चलते हैं। देखिए पीछे का रास्ता, देखिए पूरे बैंड बाजा पूरा सब खड़े हैं लेके। ये लोग भी बेचारे कब से बैठे हैं, अभी इनसे पूछे हैं तो कह रहे हैं हम लोग को काफ़ी समय हो गया आए हुए और अभी सब कुछ पता नहीं है। देखिए हम भी समय हो गया आए हुए, अब देखिए कब तक निकलता है। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे कलश यात्रा। अगर नहीं रुकना होगा, ज़्यादा लेट होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन आपको बता दे रहे इसी जगह से कलश यात्रा निकलना है। बग्घी तैयार है, सब तैयार है, महाराज जी का इंतजार हो रहा है, बाकी उनके साथ जितने लोग उनका इंतजार हो रहा है। चलिए